अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है ना वो प्यारी प्यारी से सुबह का आगाज़ हो चुका है बहुत ही मज़ेदार नाश्ते के साथ। और नाश्ते में आज मैं खाने लगी हूँ जी आलू मेथी पालक का सालन बनाया था रात को मैंने, और सब्ज़ी बनाई थी सॉरी। और यहाँ पर जो है ना वो पराठे के साथ खाऊंगी, क्योंकि पराठे के साथ जो है ना वो खाना बहुत ही मज़े का लगता है, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, आलू पालक हो, जो भी है ना, आलू मेथी पालक हो, ठीक है। तो हाफ पराठा जो है ना वो मैं आलू मेथी पालक के साथ खाऊंगी, और हाफ जो है ना वो मैं अचार के साथ खाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ पराठा बच गए तो ये मेरी आदत है कि जो है ना हाफ पराठा खाती हूँ मैं किसी भी सालन के साथ, सब्ज़ी के साथ, और हाफ पराठा जो है ना वो मैं अचार के साथ कभी खा लेती हूँ, कभी जी ऑमलेट के साथ, कभी मैं हाफ फ्राइड एग बना लेती हूँ, कभी जो है ना वो मैं चाय के साथ जो है ना वो खा लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि हाफ पराठा जो है ना वो किसी भी सालन के साथ खाना है, और हाफ पराठा जो है ना ये चीज़ों जो मैंने आपको बताई है ना इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो मैं उसके साथ खा लेती हूँ, ठीक है। तो हूँ मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सी, और यहाँ पर जो है ना अब मैंने नाश्ते को गुड बाय कह दी, क्योंकि नाश्ता जो है ना मैंने कर लिया है टिका के और यहाँ पर जो है ना अबू लेकर आए हैं जी दही भले, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, और पापड़ी के साथ ना इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और आपको पता है कि मुझे दही भले बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ जो है ना वो मुझे गोलगप्पे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गंदे बच्चे हैं आप लोग, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मैं जो है ना डिसार्ट हो जाती हूँ, तो आप लोगों के साथ सारा कुछ मैं जो है ना शेयर करती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा ना दिल कर रहा था दही भले खाने को, और लकीली आज दही भले खुद ब खुद ही आ गए और वालदैन जो है ना वो बच्चों की ख्वाहिशात को जो है ना वो ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे जैसे भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे ना दही भले खाने, और देख लें अबू ले के आ गए हैं। और यहाँ पर जो है ना आज आपको बहुत ही मज़े का एक टूर कराना है जनाब, शोकेस टूर, डिवाइडर टूर, कुछ भी कह लें आप। तो यहाँ पर जो है ना आज आपके साथ एक टी शर्ट शेयर करती हूँ, ये अभी अम्मी बिल्कुल न्यू लेकर आई हैं। ये सारे शौक मेरी अम्मी के हैं, अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है जी क्रॉकरी जमा करने का, कलेक्शन बनाने का। और यहाँ पर जी इन्होंने हमें स्टैंड दिया था साथ में, जो कि हमने जो है ना ये देख लें आप, ये केटल है जो कि हमने इस तरह से जो है ना वो सेट कर ली है इस पर, और सेकंड पोर्शन में जो है ना वो सारे के सारे कप्स लगाए हैं, और थर्ड पोर्शन पे जो है ना इसके साथ में प्लेट्स थी कप्स की ना, तो ये आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। गोल्डन कलर में है और वाइट कलर में है, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत सेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना अम्मी को ना बस बैठे बिठाए ख्याल आया कि टी सेट एक न्यू होना चाहिए, हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा और भी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी तो। लेकिन ना अम्मी जो है ना वो बस आपको बताया ना कि मामा को जो है बहुत शौक है क्रॉकरी कलेक्ट करने का, तो जब भी बाज़ार जाती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तन ज़रूर लेकर आती हैं। तो हर किसी का एक डिफरेंट शौक होता है, जैसे कि कुछ लोगों को कपड़ों का होता है, कुछ लोगों को जूते कलेक्ट करने का होता है, कुछ लोगों को ज्वेलरी कलेक्ट करने का होता है, और कुछ लोगों को बर्तन कलेक्ट करने का होता है। तो मेरी मामा को जो है ना वो ड्रेसेस बनाने का और बर्तन के कलेक्शन करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो कलेक्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपके साथ मैं सारे जो है ना वो शोकेस शेयर कर लेती हूँ डिवाइडर, और यहाँ पर देख लें जी इसके फोर पोर्शंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ, ठीक है, वन बाय वन। तो जो है ना हम पहले वाला जो है ना हमने पोर्शन जो है ना आपके साथ शेयर करना है, तो इसलिए आपने गौर से देखना है, कुछ भी आप आइडिया ले सकें तो ये जो है ना वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट सेक्शन में जो है ना वो हम लोगों ने ग्लासेस रखे हुए हैं, जिसमें जी रेड कलर के ग्लास हैं, ब्लू कलर में हैं और ब्राउन कलर में है। सेकेंड पोर्शन में आ जाते हैं तो इधर भी डिफरेंट ग्लासेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ राउंड शेप में है और कुछ जो है ना वो स्क्वायर शेप में है, तो ये सारे ग्लासेज यहाँ पर हो गए। ग्लासेज के हमारे पास बहुत ज़्यादा सेट्स हैं, ठीक है, टोटल जो है ना वो 8 to 9 सेट्स जो है ना वो ग्लासेज, जैसे आप देख सकते हैं, ये देख लें जी ऊपर जो है ना वो 3 सेट्स हैं और नीचे जो है ना 4 to 5 सेट्स नीचे हैं, ठीक है। साथ में जी एक जग था जो कि बहुत ही प्यारा था, और उसके अलावा जो है ना आपने देखा कि हॉट पॉट्स हैं, ठीक है। और सेकंड पोर्शन में हम आ जाते हैं तो वो पीछे जो है ना एक टिफ़न है, और साथ में ये जो है ना ये मेरे मामा का जहेज का सेट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है ब्लैक कलर में, और ये उस टाइम का जो है ना बेस्टेस्ट जो है ना सेट था, और बहुत ही प्यारा है, नॉन ब्रेकेबल है। और ये जो है ना ये वाइट सेट, ये भी मामा के जहेज का सेट है, जो कि ये भी जो है ना नॉन ब्रेकेबल है, और ये चीनी का सेट है। और नीचे वाला जो है ना ये पिंक कलर में, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये पत्थर का सेट है। अच्छा जी,
यहाँ पर आ जाते हैं, वो पीछे जो है ना वो नाइफ सेट है और साथ ही साथ ये स्पून सेट है और साथ ही साथ ये जो है ना इसमें कप्स हैं, साथ में आप देख सकते हैं ट्रेज हैं और छोटी ट्रे है, बड़ी ट्रेज हैं और इसके अलावा जग है और जनाब इसकी प्लेट्स हैं बड़े साइज़ में भी हैं, बिग साइज़ में भी हैं, फिर इसके बाउल्स हैं, बहुत बड़ा सेट है ये एक। और साथ ही साथ ये जो नीचे वाला है ना ये काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ भी बाउल्स हैं, साथ में प्लेट्स हैं और यहाँ पर देखें जी इसकी हमने सेटिंग कर ली है, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये सारा क्रेडिट मेरी मामा को जाता है क्योंकि वही करती हैं। नीचे जो है ना वो सूप के लिए जो है ना वो बाउल्स हैं, साथ ही साथ जग्स हैं, ठीक है। और इधर जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये देखें जी सालन डालने के लिए जो है ना वो बाउल्स हैं, साथ में मीडियम स्मॉल साइज़ में बिग साइज़ में हैं प्लेट्स और इसके अलावा जी दूसरे बाउल्स भी हैं। अक्सर औकात मैं खीर वगैरह बनाती हूँ तो मैं ज़रूर सर्व करती हूँ। नीचे जो है ना ये पत्थर का सेट है जिसमें लार्ज साइज़ में है, साथ में जी मीडियम साइज़ में है और स्मॉल साइज़ में प्लेट्स हैं, ट्रेज हैं और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ना वो आपको एक दफ़ा मैं फिर से शो करा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमने कितने अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से जो है ना वो चीज़ों को सर्व को, सारे बर्तनों को जो है वो अच्छे से जो है वो मैनेज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जो है ना मामा जो है ना ये इनको क्लीन करती ही रहती हैं, ठीक है। डस्ट आ जाती है तो इनको जो है ना वो क्लीन करती हैं। अच्छा जी नीचे इसके ड्रॉर्स भी हैं। अच्छा जी पहले इस तरह के जो है ना डिवाइडर हुआ करते थे, अब इस तरह के नहीं होते हैं, अब और शेप में होते हैं। तो ये देखें जी मामा ये भी सारे न्यू स्पून लेकर आई हैं और ये जो ऑरेंज कलर में ना ये भी मेरे मामा का जहेज़ के जो है ना स्पून है, जो कि हमने पहले तो यूज़ नहीं किया था लेकिन अब जो है ना हम प्रॉपर जो है ना वो यूज़ करते हैं। पहले होते थे लेकिन बहुत काम होते थे लेकिन अब डेली यूज़ किया जाते हैं। और यहाँ पर ये देख लें आप, ये सारे के सारे जो है ना बर्तन आपको कैसे लगे हैं, क्रॉकरी आपको कैसे लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इधर अब मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ टूर शेयर करने के बाद आपने अगर कुछ भी सीखा हो ना इस टूर से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से आप बनवा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इस तरह के डिवाइडर हुआ करते थे, पहले होते थे, अब नहीं होते, अब जो है ना वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और इसमें ड्रॉर्स वगैरह ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, मैं तो यही कहूँगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारा जो ये आपको डिवाइडर कैसा लगा है, टूर कैसा लगा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी है, आप सब बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।